अरे जा कहा रही हो? इन्होंने आज सुबह मेरे दोस्त को थप्पड़ मारा, लो मारो मुझे। मारती क्यों नहीं? भाग कर कहां जा रही हो? उसे जाने दो। संतोषी तुम जाओ। संतोषी, अरे ये क्या हो रहा है? काका, 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 कुछ बोल। तुम कितना भी भाग लो संतोष, परंतु हम तुम्हें इस घर में पुनः ले आए, क्योंकि तुम्हारी कष्टों की व्यथा कथा इस घर में सबसे अच्छी से लिखी जाएगी। काका कुछ बोल नहीं रहे, आंखें भी नहीं खोल रहे, हमें डर लग रहा है संकेत जी। तुम हिम्मत रखो, देखते हैं। सब ठीक है ना? हाँ, यहाँ से तो चल रही है। जल्दी से नहीं अस्पताल लेकर जाना होगा वरना ले। लेकिन संतोषी, इस टाइम पे सारे हॉस्पिटल बंद है, यहाँ पे सब छोटे मोटे क्लिनिक है, वो इस समय बंद हो चुके होंगे। एक काम करते हैं, हम लिफ्ट लेते हैं और ये सिटी हॉस्पिटल लेके चलते हैं। कुछ भी कीजिए ना, लेकिन जल्दी कीजिए। देखो तुम रो मत, रोने से कुछ नहीं होगा। हम देखते हैं, हम देखते हैं। सब मेरी वजह से हुआ है काका, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे काका। बस थोड़ी देर, फिर हम आपको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे और आप एकदम ठीक हो जाएंगे। कब सुन रहे हैं ना? भाई सर, मेरे अंकल का एक्सीडेंट हो गया, उन्हें अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है, प्लीज मदद कर दीजिए। ठीक है, आप बैठिए, हम ले चलते हैं आपको अपने साथ। थैंक यू, मैं बस अभी आया। पागल हो गए हो क्या? इतनी रात को ऐसी सुनसान सड़क पे किसी को लिफ्ट देना बेवकूफी है। रोज ही सुनने को मिलता है कि लोग ऐसा नाटक करके लोगों को लूट लेते हैं। लुटेरे नहीं है ये लोग, परेशान लगते हैं बेचारे, मदद करनी चाहिए हम इनकी। किसी का चेहरा देख के नहीं पता चलता कि कौन कैसा है। देखो बच्चे घर में इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं जा रही हूँ। संकेत जी जल्दी चलिए। अरे सुनो। क्या सुनो? अच्छा ठीक है, चलते हैं। भाई साहब रुक जाइए, इनको अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है। संकेत जी ये तो चले गए, अब क्या करेंगे? माते, क्या मानवता का कोई मोल नहीं रहा? कितने निष्ठुर लोग हैं मृत्यु लोग में। गौ माता, मनुष्यों ने संसार को इतना असुरक्षित कर दिया है कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से विश्वास उठ गया है। कुछ दुष्ट व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए भोले भाले व्यक्तियों को ठग लेते हैं, उनकी भावनाओं से खेलकर। परिस्थिति ऐसी बन गई है कि भय के कारण अब कोई सच्चे व्यक्ति की बातों पर भी विश्वास नहीं करता। तो क्या संतोषी की कोई सहायता नहीं करेगा? लगता है हमें इनको ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है। वैसे हम लोग काका को लेकर समय पर नहीं पहुंच पाएंगे संकेत जी, काका की हालत ठीक नहीं है। संकेत जी हाँ? वो देखिए, आप एक मिनट यहीं रुकिए। जय संतोष।
मदद करना माँ। जब कोई सहायता नहीं करता तो हिम्मत वाला व्यक्ति स्वयं अपनी सहायता का उपाय ढूंढ लेता है। आप धन्य हैं माते। नारायण नारायण। प्रणाम देवी पौलमी। क्या हुआ देवी पौलमी, सब ठीक तो है? आपको ऐसा देखा इसलिए हम चले आए। क्यों, हमें क्या हुआ है? नारायण नारायण। देवी पौलमी, आपका क्रोध देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अवश्य कुछ ना कुछ हुआ है। कहीं आप इससे तो क्रोधित नहीं है कि संतोषी इस बार भी बच गई? नारायण 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 नारायण। हम तो ये कहना चाहते हैं देवी पौलमी कि एक ऐसे मनुष्य ने संतोषी की सहायता की है जिसे मिले हुए इसे केवल 2 दिन हुए हैं। आपको नहीं लगता कि जो कहना है कहिए देवर्षि, पहेलिया मत बुझाइए। नारायण नारायण। देवी पौलमी, हम ये कहना चाहते हैं कि संसार में अब भी भले मनुष्य है ये वृद्ध जो संतोषी को अपनी संतान की तरह मानते हैं, वही संतोषी के लिए रक्षा कवच की तरह है। नारायण नारायण। वो हमारा मन ये कह रहा था देवी पौलमी। ये आपका मन नहीं देवर्षि, हमारी विफलता से मिला आनंद बोल रहा है, परंतु ये आनंद ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाला, क्योंकि हम पराजित नहीं होंगे। हम उस सुरक्षा कवच को तोड़ देंगे जो संतोषी के आगे आने वाला। नारायण नारायण। हम आपको रोकने की चेष्टा क्यों करेंगे देवी पौलमी, परंतु परंतु क्या देवर्षि? अब देवी संतोषी का नाम लेने जा रहे थे ना, हम जानते हैं, परंतु हम भी आपको एक बात बता, आपकी देवी संतोषी भी हमें नहीं रोक सकती। नारायण नारायण। देवी पौलमी, हम यम देव की बात कर रहे थे क्योंकि प्राण हरने का अधिकार तो केवल उन्हें ही है, और जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक क्या किसकी मृत्यु संभव है? नारायण नारायण। प्राण ना से परंतु सुख चैन तो ले सकते हैं ना, क्योंकि कष्टकारी जीवन मौत से भी ज्यादा दुखदायी होती है। अरे रास्ता दीजिए प्लीज, कोई डॉक्टर को बुलाओ, इमरजेंसी है प्लीज डॉक्टर। जल्दी से चले करो। नर्स। आराम से आराम। हाँ प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। ये तो एक्सीडेंट केस है, पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस अपना बाद में काम कर लेगी। हाँ प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। आई नो सर, लेकिन बिना पुलिस के हम कुछ नहीं कर सकते। आप कैसी नर्स हैं? आपको पता नहीं इमरजेंसी में पहले इलाज और बाद में पुलिस को बुलाने की अनुमति मिलती है। आप प्लीज जाके डॉक्टर को बुलाइए। ओके सर। आप लोग जरा साइड होइए। आप डॉक्टर अंसारी को कॉल कीजिए और उनसे बोलिएगा जल्दी से आए, इमरजेंसी। ओके सर। सर डॉक्टर अंसारी का फोन नहीं लग रहा है, फिर से ट्राई कीजिए।
सर मैं कोशिश तो कर रही हूँ, अगर वो फोन उठा भी लेते हैं तो उन्हें आने में आधा घंटा तो लगेगा ही। आप कुछ कीजिए ना। देखिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ तो कीजिए। मैं नहीं कर सकता, मैं यहाँ जूनियर डॉक्टर हूँ और जब तक मुझे मेरे सीनियर की परमिशन नहीं मिलती मैं ऑपरेशन नहीं कर सकता। किसी और डॉक्टर को बुलाइए ना। देखिए ये बहुत छोटा हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में एक ही सर्जन है और वो है डॉक्टर अंसारी। हाँ मैं एम्बुलेंस की व्यवस्था कर सकता हूँ, फिर आप इनको किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं। हम डॉक्टर ही नहीं पढ़े लेकिन इतना जानते हैं कि काका की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, दूसरी अस्पताल हम समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। मैं कुछ नहीं कर सकता मैडम। क्यों नहीं कर सकते? आप डॉक्टर नहीं है, यहाँ एक इंसान मौत से लड़ रहा है और आप हमें नियम कानून समझा रहे हैं। बड़े डॉक्टर की अनुमति आपके लिए ज्यादा जरूरी है एक इंसान की जान से। बड़े डॉक्टर की अनुमति? आप डॉक्टर से इस तरह बात नहीं कर सकते, ये हॉस्पिटल है आपका घर नहीं। हॉस्पिटल है इसीलिए ऐसे बात कर रहे हैं, बचपन से सुनते आए कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। भगवान तो इंसान की कभी मदद करने से मना नहीं करता, आप लोग कैसे कर सकते हैं मना? और एक बात बोले डॉक्टर साहब, नौकरी से बढ़कर इंसानियत होती है, आप अगर मदद करेंगे ना तो आपको ऐसे 10 नौकरी मिल जाएगी और इंसान की सांस टूटे इससे अच्छा है इंसान के बनाए हुए नियम ही तोड़ दिए जाए। ठीक है मैं ऑपरेशन करूंगा। वार्ड बॉय आप इन्हें जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में ले जाइए और हाँ आप डॉक्टर अंसारी को कॉल लगाते रहिए प्लीज। हाँ चलिए लेके। जी 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 ने नाक में का ट्रैक्टर का इंजन फिट कर रखा है, जितने दहाड़े मार मार के खर्राटे ले रही है, इससे लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले वालों को जगाएगी। जी संतोषी अभी तक नहीं आई है, सब यहीं पड़ा हुआ है। जी 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 मर गई हो का? जी हम इतनी जल्दी नहीं मरने वाले हैं, छोटे हैं तुमसे। अच्छा तो जेस तुमने किया है नागिन कहीं की? पता चला आधी रात में ये काहे से मस्करी है? ये कुंभकर्ण की तरह दहाड़े मार मार के खराटे काहे भर रही थी। अरे पर हुआ का है? संतोषिया नहीं आई अभी तक, तो आ जाएगी। अब बिट्टू के पापा गए हैं ना बस अड्डे पर लेने। रात के 12 बजे कौन सा बस स्टॉप खुला रहता है? दक्षा ये संतोषिया कहाँ है? बुढ़ी और आ गई सर खाने के लिए। अब हम फोन करते हैं, अब पता करते हैं। अम्मा तांडव मत शुरू कर देना अपना। कौन है? तो कोई समय है क्या फोन करने का? हेलो मैडम जी, हम बोल रहे हैं दक्षा। संतोषी पहुंची नहीं घर, वहां से निकली का? वो यहाँ से 2-3 घंटे हो गए निकल चुकी है। का जहाँ तो नहीं आई? हम क्या करें, कहा ना यहाँ से निकल गई। अब फोन रखो, सोने दो। हाँ जी जी। अब वो तो बोल रहे वहां से निकल गई है।
अगर निकल गई है तो गई कहाँ? अब जी हमें क्या पता अम्मा, वो बोले तो हमने बता ही दिए। हमें उसे ढूंढने जाना होगा। हाय दे अम्मा जी, तो कहाँ हम जाकर के ढूंढने उसको नखने हो? हाँ माधुरी, इतना काय घबरा रही हो? अब बोले हैं ना तुम्हें, अब बिट्टू के पापा गए तो हैं। मैडम सब मैडम जी को लेने गया था ना, कहाँ है वो? आगे संतोषी आगे कहाँ है? सब मुंह पे चढ़े जा रही हो, बता रहे हैं ना आखिरी बस में भी संतोषी नहीं आई, पता नहीं कहाँ चले गए। अगर संतोषिया नहीं आई तो आज तुम तो गई तक सा, बुढ़िया खा जाएगी। आ जा रही संतोषिया, काहे हमारी जान की दुश्मन बनी हुई है। हम बस में चढ़े भी थे, कंडक्टर से पूछे, उसने कहा लखनऊ से तो कोनो लड़की नहीं चढ़ी है। हे भगवान, हमारी बिटिया किसी मुसीबत में ना फंस गई हो। अब तुम लोग बेकार ही परेशान हो रहे हो। अरे अपनी संतोषिया बहुत बहादुर है, अब देर हुई होगी ना तो वो इनके सांप के घर वापस लौट गई होगी, अब कल सुबह आ जाएगी। तुमने उसे भेजा ही क्यों? अम्मा काहे परेशान हो रही हो, अरे आज उनके साहब के घर बहुत मेहमान आए हैं तो उन्होंने ही रोक लिया। हमने तो कही थी संतोषिया से कि तुम आखिरी बस पकड़ के आ जाना, अब वो ही नहीं आए तो हमारी क्या गलती है? दक्षा एक बार और बंगले पे फोन कर देखना। बुढ़िया पगला गई तो फिर से रात भर डंडा परेड करवा देगी, नींद भी टूटेगी और हड्डी भी, क्या करें इसका, मामला यही दबाना पड़ेगा। काहे तुम इतना घबरा रही हो? हाँ संतोषिया कहाँ जाएगी है? और देखो सुबह तक ना आई ना तो हम सब चलेंगे लखनऊ, उसे लेकर आएंगे। ठीक है? ठीक है, जाओ सो जाओ। आ चलो तुम भी। अरे चलो तो भैया। माँ हमारी बच्ची की रक्षा करना। देखो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, काका एकदम ठीक हो जाएंगे। सब हमारी वजह से हुआ, ना हम वहां से भागते ना काका हमारे पीछे आते और ना ही हमें बचाने के लिए काका का ऐसे कार से एक्सीडेंट होता। संतोषी तुम पागल हो क्या? इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, इनफैक्ट सारी गलती उस कार वाले की है जो एक्सीडेंट करके भाग गया। कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो हम है ना संकेत जी? तोशी ऐसा कुछ नहीं है, देखो तुम्हारी जगह अगर कोई भी लड़की हो वो भी वैसा ही करती जैसे तुमने किया। और हाँ अगर देखा जाए तो सारी मुसीबतों की जड़ वो धैर्य है, अगर वो तुम्हें परेशान ना करता तो ये सब कभी होता ही नहीं। और तुम खुद को दोष देना बंद करो, हम उनको शांत रखो, बस दुआ करो कि कागर ठीक हो जाए। हाँ देखिए हमने अपना काम कर दिया है, लेकिन हालत खतरे से बाहर नहीं है, घाव बहुत गहरा है और अंदर भी काफी ब्लीडिंग हो गई है।
दरअसल उन्हें अंदरूनी चोट बहुत ज्यादा लगी है, अब हम उनको आईसीयू में शिफ्ट करेंगे। क्या आपने ही डॉक्टर पाठक को ऑपरेशन के लिए मजबूर किया था? जी डॉक्टर साहब, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, माफ कर दीजिए। सही किया तुमने। अगर उनका टाइम पर ऑपरेशन नहीं होता तो वो कोमा में नहीं जा सकते थे। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। बाकी की चीजें आप पाठक जी से समझ लीजिएगा। देखिए, उन्हें आईसीयू में ले जाने से पहले आपको कुछ पैसे जमा करने होंगे। डॉक्टर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सारे पैसे भर देंगे, आप बस काका को आईसीयू में शिफ्ट कर दीजिए। सॉरी, इसके आगे मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। मैंने पहले ही हॉस्पिटल के नियम तोड़कर और बिना पैसे जमा किए ऑपरेशन कर दिया था, लेकिन इस बार मैं हॉस्पिटल का नियम नहीं तोड़ सकता। डॉक्टर साहब, डॉक्टर कितने पैसे देने होंगे? 50,000 रुपए तुरंत जमा करने पड़ेंगे। पचास हजार इतने पैसे कहां से लाएंगे संकेत जी? मैं प्रताप सर को फोन करना होगा। तुम लोग कितनी भी कोशिश करो परंतु धन नहीं पहुंचा पाओगे।